जब आपका बर्फ पड़ती है तो आपने देखा होगा, तो उस टाइम क्या होती है, जो हमारी व्हीकल्स है वो क्या होती है, रोड में स्किड करने लग जाती है। जो आपका वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस टाइम क्या हो जाता है, जब आपकी स्नो पड़ती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होती है, जो आइस है वो क्या होती है, आपकी जम जाती है। तो जब आइस जम जाएगी उसकी वजह से क्या होती है, आपकी जो व्हीकल्स है वो क्या होती है, आपकी स्किड करने लग जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या कम करने के लिए उसमें क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है, NaCl के सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है। क्योंकि जो NaCl है वो आपका क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तब क्या हो जाता है, -9 डिग्री सेल्सियस आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो जो आपका बर्फ है वो इजिली आपकी जमेगी नहीं। तो जब बर्फ इजिली जमेगी नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उस रोड में इजिली गाड़ी चला सकते हो। साथ ही साथ जो आपकी आइस जमी होगी, जब आप क्या करोगे उसमें NaCl ऐड करोगे, तो वो भी क्या हो जाएगी, आपकी पिघल जाएगी।